हरे 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 हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा गुंगा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे Amen.
परमेश्वर के नाम गरिणाम शक्ति नाम के दो राशे सर्वतो पांडो मेरे समंता ज्योतिमात्र विश्वस्य परम निराधम तमाव्यय शाश्वत धर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुत क्षवक्त्वं स्वदेहसावेश्वमिदं अपान्तं द्यावाग्विधेयो मन्तरमे व्याप्तं त्वयैके न देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽभ्यन्तरेदं लोकत्रयं प्राज्ञभितं आमी त्वां सुरसंग्राय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभे कोष्ठलाभे रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा स्मिकासैव सर्वे सानेषीते शतवर्गकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिभिका प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नवेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं भित्तास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं येष्वनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वा
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रके पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीया एकविक्रमस्तु सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नयदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानम् अवेदम् मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचो तक्षामयित्वा महमप्रमेयम् पिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायम् प्रसादयित्वा महमीश वीर्यम् सखेव सख्यो प्रिय प्रियायासि देव सोऽहम् अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ छठा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु सुसौदेशे प्रतिष्ठाप्य तिरुमासनमात्मना नाच्योत्सितं नातिनीतं शैलाजेन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं कृत्वा यथ चेतेन्द्रिय क्रिय उपवेश्यासने योज्या योगमात्मविशोद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्म विशस्तानवलोकय प्रशान्तात्मा विगतभिर्
ब्रह्मचारी प्रदेशित मनः संयम्यमाचेतो युक्त आसीत मात्पर योऽन्येवं सदात्मानो योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत न साति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्त हरविहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चेत् नात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो लङ्घते सोपमा स्मृता योगिनो यत चेत्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तोष्यति यत्रो परमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तोष्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्दास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 22 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम बात है, पहले भी कही है, फिर कहता हूँ, बहुत आवश्यक है उस बात को मानने की। एक जानता है, एक मानता है, तो मानने की जरूरत है उस बात को। अपने लोगों में ऐसी एक धारणा है कि हम उद्योग करके उस परमात्मा को प्राप्ति करेंगे, अर्थात अपने से दूर मान रखा है परमात्मा को, तो हम उद्योग से करके नजीक पहुंचेंगे, प्राप्ति होगी। तो बात ये नहीं है। परमात्मा सबसे नजीक है। आप जो मैं करते हो, मैं हूँ ऐसा, उस मैं हूँ से नजीक परमात्मा है। मैं हूँ दूर है, तो परमात्मा नजीक है। तो शरीर जो नजीक माना कि शरीर नजीक है, ये आपसे दूर है। शरीर नजीक नहीं है। और नजीक क्या हो, शरीर आपके पास क्षण मात्र भी टिकता नहीं, नजीक मानो तो भी एकदम क्षण मात्र भी नहीं, पचलता ही रहता, हरदम बदल रहा है। केवल बदलना ही बदलना, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही बहता है, इस तरह से शरीर तो हरदम अलग हो ही रहा है। परमात्मा क्षण मात्र में कभी वियुक्त होते ही नहीं, वो अलग आपसे हो सकते नहीं, और शरीर आपके साथ रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है। शरीर में कर जाए और आप में सामर्थ्य नहीं, शरीर को रख लो, आपकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। आपने माना है मेरा, बिल्कुल झूठ बात है। आपका इस पर आधिपत्य चलता ही नहीं। अगर आधिपत्य चलता हो तो शरीर को बूढ़ा मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने दे, मरने देंगे नहीं इसको, तो हम रखेंगे क्या, रख सकते हो? तो अपना बस चलता नहीं, तो अपना है नहीं अपना। ये अपना मानना ये बेईमानी है। ऐसी कहीं दुख है, ऐसी कहीं बंधन है, सिवाय बेईमानी कोई बंधन है ही नहीं। अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, इस बात तू भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं। बेईमानी को कभी सुख नहीं हो सकता, बेईमान को सुख कैसे होगा? अरे ईमानदार तो दुख हो नहीं सकता। शरीर मेरा नहीं, मैं और मेरा है, यही है। मैं और मोर तोर तेरी माया, तेरी बस की ने जीव निकाया, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भनी और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। वो राम जी के साथ एक शरीर के साथ है ही नहीं, क्यों बनेगा? तो शरीर ये मेरा नहीं है, मैं नहीं मेरा भी नहीं है। मेरा है तो आप इसको ठीक रखने में स्वतंत्र हैं क्या? कोई बोलो आप इतने बैठे जिसमें कि मैं स्वतंत्र हूँ, मन को मर्जी आओ जैसे मन को रुकूंगा, मन है जैसे शरीर को रखूंगा, मन आओ जैसे बुद्धि को रखूंगा, मन आओ जैसे स्वास्थ्य को रखूंगा। ये अपना है ही नहीं, ना सूर सूर सही अपना है, ना सूर सूर अपना है, ना कर्ण सही अपना, अपना है ही नहीं। जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया है। परमात्मा कहते नहीं, मेरा अंश है तू साक्षात, मैं अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा को दूसरा मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है। ये तो गलती है यार। परमात्मा इतने नजीक है, क्या गया आपको? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सर्वशिचाहम हृदय सन्निविष्ट अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण भूतों के अंतकरण रहने वाला
सबके भीतर अंतर्यामी है। पृथ्व्याम तिष्ठन् यो यम यति महिम वेद न धरा, पृथ्वी के भीतर रह के ही पृथ्वी में असल रखना है, ये भगवान की शक्ति है। चारों तरफ जड़ है, ऐसे जल भरा उसके एक मुट्ठी पानी रख दो रेत ठहरेगी बह जाएगी, तो पृथ्वी बीच में पड़ी है चारों तरफ बह जाती बिखर जाएगी है। तो वो भगवान की शक्ति से बंधी हुई है। समुद्र में आप देखो तो बालू ही बालू है वहाँ, अब बालू अगर बह जाए समुद्र में तो जयराम जी पृथ्वी कह रहे। तो पृथ्वी में शक्ति भगवान ने जिसम ये है। तो फिर व्याम तिष्ठन यो यम यति महिम न वेद न धरा, भगवान पृथ्वी है, पुष्णामी चौषधि सर्वाशोभो भूत्वा रणात्मका, मैं ही पृथ्वी उदाहरण करता हूँ, मैं ही ऊर्जा को पुष्ट करता हूँ, सबको मैं ही करता हूँ। गामा विशिष्ट भूतानी धारियामे मोसा, गाम पृथ्वी को आविष्ट करके सबको मैं धारण करता हूँ। तो पृथ्वी को धारण किया है तो खत्म हो जाए, तो वो परमात्मा पृथ्वी में है, जनता में सबके हृदय में है, छोटे से छोटे जंतु बड़े से बड़े जंतु में भीतर में सब परमात्मा परिपूर्ण रहे। तो पृथ्वी भगवान से नजदीक कोई है नहीं, मैं हूँ ये दूर है, मैं है प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव अहंकार संबंध नहीं, अपरा है तो आप परमात्मा का परा प्रकृति है, पना अपरा प्रकृति जिसकी है वो तो पहले है। तो परमात्मा हमारा है, हमारे पास है, हम विमुख हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। जैसे ऐसे देखने ऐसे देखने लगे, यूं देखते ऐसे दिखने, इस तरह से देखने लगे शरीर की तरफ, भीतर तक देखते ही नहीं, इस बात से दूर दिखता है परमात्मा। सबके हृदय में सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में अच्छी तरह से प्रविष्ट हूं मैं, तो सब में भगवान है और शरीर नहीं है। मैंने कहा था ना अपने माँ के जन्म में तब क्या आकृति थी, आज क्या है, तो ये बदले बिना से कैसे हुआ। बदलने का एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण में बदलता न हो, केवल बदलना बदलने का ही पुंज है। मनुष्य ये धारणा है कि उत्पत्ति और प्रलय तो होता है, बीच में हम जीते रहते हैं, बिल्कुल झूठी है। उत्पत्ति प्रलय का प्रवाह है, निरंतर निरंतर बह रहा है, निरंतर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समुद्र पर्वत सब बह रहे हैं, सब जा रहे हैं अभाव की तरफ, मौत की तरफ, अभाव जब जा रहे अभाव हो जाएगा। और ये बात कई बार कही है फिर भी कहते हैं याद रखो, हम जी रहे हैं, ये शरीर जी नहीं रहा मर रहा है, जितने वर्ष आए उतने तो वर्ष तो मर गए, अब जीना कितना इसका पता नहीं, पर मर गया इसका तो पता है ही, तो मरना सच्चा है। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संसार का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। और संयोग को चाहते हैं, स्त्री बन रहे, पुत्र बना रहे, धन बना रहे, घर मेरा बना रहे, जो रहने वाला नहीं है उसको बना रहे, और भगवान सदा साथ है उसी तरह ख्याल ही नहीं, तो सदा रह सकता है उसको अगर रख लो, और जान सकता है जाने दो, तो निहाल जो आज आज अभी इसी क्षण जो नहीं रहता है उसको तो रखना चाहते हैं, यार है भीतर उसे दृष्टि नहीं, उसको ध्यान नहीं, उसको कभी नहीं नहीं होता, परमात्मा नहीं होता ही, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत है जो का जो सब जगह परिपूर्ण सत है, सिद्ध है, और ये असत सरदार शरीर है, ये कभी क्षण मात्र भी टिकता नहीं, उसको तो मान लिया अपना और परमात्मा को मान लिया दूर, कहीं होगा होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं। होने वाला तो शरीर है, संसार का वियोग नित्य है, जिसमें संसार का योग मान लिया कि हम जीते ही रहे, कोई जीता नहीं रहा, फिर आप जीत कैसे रहोगे, कोई रीत बदल गई आपके लिए, सोचते ही नहीं।
जो काम करना है असली कर लो भाई, शरीर का कुछ पता नहीं है, बैठा बैठा ही मर जा, चलता ही मर जा, बीमार हो मर जा, बिना बीमारी मर जा, रात में मर जा, दिन में मर जा, सुबह मर जा, 24 घंटा में कोई ऐसा मिनट नहीं जिसमें मरने की रीत न हो। मृत्यु तो हरदम है, हरदम मर ही रहा है, निरंतर मर रहा है, उसमें निश्चिंत हो बैठे हमारा सही है। मालूम होता है कि मरने वालों को मुगल लाने रहा है, वो उधर उधर के मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। पड़ोसी में भाग्यश हुआ अपन में जान, पड़ोसी मर गए तो अपन कैसे रहेगा, ख्याल नहीं, होश नहीं है। यदि बेहोशी में राजी होते हैं, ऐसा करेंगे, धन बना लेंगे, रीता बना लेंगे, मकान बना लेंगे, रुपया जोड़ लेंगे, ऐसा रंग करेंगे, बेटा पोता यू हो जाएगा, हमारी प्रशंसा हो जाएगा, हम बाप हो जाएगा, आराम लेंगे, दासियां मोदी से इतने ज्ञान। यदि अज्ञान भी बोलता है, असुर संपत्ति है, ये राक्षस बना असुर बना पता है, यदि बुद्धि हमारा लब धम इतना दुख मिल गया, इतना और मिल जाएगा, इतना और हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे 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 करेंगे, मैं मरेंगे भूल गया बिल्कुल, अरे करेंगे झूठा है, मरेंगे सच्चा है, सच्ची बात के तो ख्याल नहीं, झूठी झूठी बात में चल रहे यार, मनुष्य कहलाते हैं। पशुओं को तो कह नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, पर मनुष्य बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक शक्ति दी है, तो फिर तुम ख्याल नहीं करते, तो वही सही जा रहा है। ये तो जितने ही जाते से ले लो, इतना अच्छी बात है, जितना ही ले लो, भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान तरफ ले लो जितना अच्छा, परवाह ही नहीं है, अपनी तरफ ख्याल नहीं करते। परोपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर, दूजों को उपदेश समय तो सब पंडित हो जाते हैं, खुद देखते जयराम जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नन करे, अपना प्रचार करे, मैं दूजों को कह रहा हूँ, अपने को तो समझो, मैंने संतों की बात सुनी है, संतों की बात सुनी है कि मैं व्याख्यान सुनता हूँ, खुद व्याख्यान देता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सावचेत रहता हूँ, सावधान रहता हूँ, दूसरों में नहीं सुनाता हूँ, मेरे को सुनाता हूँ, तो सावधान रहो, सही रहने वाला नहीं है, जा रहा है प्रतिक्षण, सावधान हो जाओ, भगवान को याद रखो, उसके शरणों के शरण रहो, उसके साथ रहो, और शरीर के साथ क्या बैठे हो तुम, शरीर साथ भर रहता है नहीं, शरीर तो हरदम बदलता है, तभी तो इतना बदल गया, नहीं तो कैसे बदलेगा, क्या एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में बदला है, हरदम बदल बदला है, हरदम मिनट तो एक होता है, काफी देर ठहरता है, सेकंड भी ठहरती, सेकंड से भी बहुत तेजी से बदलता है, ये सब का सब इधर जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, मैं बताऊ मैंने, ये धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये रहेगा, लोगों के इतना राज है, हम लोगों के सामने संसार का परिवर्तन जितना हुआ है, हर एक की उम्र में इतना नहीं होता, राजाओं का राज बदल गया, सेठाओं को सही बदल गई, कायदा बदल गया, कायदे रक्षा की हत्या हो रही है, मिनकारी की हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, सृष्टि बंद कर रहे हैं, इतना इतना अनर्थ हो रहा है, अभी महान पाप, महान हत्या, महान अनर्थ, आप उसी के साथ दे रहे हैं, दशा क्या होगी देखना, बैरागी बाबा दाग लगाए, तिलक लगाए बाबा, तिलक चोखा लगाया तो सूखेगा तो उगड़ा, अभी क्या है, पर देखना तमाशा, थोड़ा दिन भविष्य में देखना आप क्या होगा, दशा जब उधर जा रहे हैं, मचा उधर महान अशुद्ध अशुद्ध चीजें, पेप्सी आदि, जन्म गाय का मांस लगता है, हड्डियां भीतर से मज्जा निकालने का उसको मिलाई गई है, लिखा है उन पर, और फिर वो खाते हैं, यार हिंदू कहलाते हैं, विदेश कंपनी मंगाई है, अब जगह जगह दुकान लगेगी, एक एक देश में, एक एक शहर में कितनी दुकान लगी, प्रस्ताव पास हो गया, दुकान शुरू हो गई है, वो भोजन खाना ये देंगे अंग्रेज, जब गाय का मांस होगा उसमें,
खाते को ही खाते है, मानते ही नहीं, कड़ा ही नहीं मानते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब आज सुनते उतने ही नहीं सुनोगे, फिर मेरे को याद है मैं पास आऊ मैं स्कूलों में जगह जगह जाया करता व्याख्यान में, आज घर पास करके कोई मांग ही नहीं आती है कि तुम व्याख्यान दो। तो इसे सुनने ही था मांग है, मैंने ये खड़ा कर दिया था, मांग ही नहीं रहेगी व्याख्यान सुना मन से सुनो। बहुत पाठशाला में व्याख्यान जगह जगह में जाता था, आप कोई मांग नहीं आती पाठशाला में चलो, क्यों बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है, सत्संग बात नहीं कौन सुनना चाहता, ये तो कोई भगवान की कृपा है जो आप सुनने की इच्छा रखते है। कितना पतन घोर पतन घोर पतन हो रहा है, विदेशी कंपनी आई पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपना पराधीन हो गया ये अंग्रेज उपस हो गया, ऐसे एक आदमी तो कहा है आवाज दी है कि 10 वर्षों में हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा। अभी जो चाल चल रही है अंग्रेज लोग बुला रहे हैं कंपनियों को स्थान दे रहे हैं, 10 वर्षों के बाद फिर हम इस वास्ते सेहत करो अपने जल्दी कल्याण करो, संसार क्या हुआ क्या नहीं अपना कल्याण करो जल्दी। आप अच्छी बात मानते हैं वो भी काम में नहीं लाते, सास बोलना ठीक है झूठ बोलना तो सास बोल ठीक है तो मानते करते नहीं, मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दी बकुए पड़े अंधेरे में देख कर कुएं पड़े, जानते हो फिर अन्याय करते हो दर्द करते हो फिर झूठ कबर करते हो फिर ठगी करते हो धोखाबाजी करते हो, जानते हो मेरे साथ धोखाबाजी न करे अरे आप करते हो, रामदाता कृपा सगर खो तो उसी ख्याल करो, सावधान रहो सावचेत रहो, दिन जा रहे हैं मौत आ रही है कब काम करोगे, आपकी जितनी उम्र है इतने में काम पूरा कर लिया कि आधा कर लिया, आधी उम्र आई है यार पता है आधी उम्र आई है, मेरे पास समझ आ रहा है कभी काम करते हैं धन कमाते हैं बूढ़ा हो जब सत्संग करेंगे बूढ़ा हो गए पहले फौत खेल जाओ तो ये पता ही नहीं है फिर करेंगे फिर क्या करोगे फिर रोओगे, सो पर तो दुख पाव सिर धुन धुनी पछता रोएगा वो, इस वास्ते सज्जनों कृपा करो बाल बच्चों को अपने को लगाओ भगवान में, गीता में लगाओ रामायण में लगाओ नाम जप में लगाओ कीर्तन में लगाओ सत्संग में लगाओ सत्चर्चा में लगाओ, बड़ी पुस्तकें सस्ती गीता प्रेस में मिल रही है, बड़ी सरल समझने में सब्जी पुस्तक सरल मूल्य में सरल समझने में सरल कितनी सस्ती मिल रही है, कोरा कागज नहीं मिले थे मुझे कोरा कागज आज जगह में छाप कर जल्द बांध कर देते हैं, इतनी सस्ती पुस्तक मिल रही है तो लेकर लाभ ले लो, ये मिलेगी नहीं, शेर जी ने कहा था कि 500-700 में मिलेगी नहीं पुस्तक गीता जी, ऐसा समय आने वाला है, हम तो जानते नहीं भविष्य को परंतु चाल ऐसी हो रही है, ऐसी चाल ऐसी जो पतन ही पतन की तरफ जा रहा है, अरे अंडा ने वास्ते अंडा से मुंह पैदा करता है मनुष्य मछली कहते मछली, कितना सरकार लाखों करोड़ रुपया पैदा खर्च कर करके मछलियों के लिए और अंडों के लिए मकान बनाए शहरों के पास पास में अंडों के लिए पैदा करना खिलाना, अब वो कमती कर दे और विदेशों की कंपनी बुला ली, जैसा प्रचार हो रहा है आपके घर के छोकर क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं, आप होश में नहीं, आपको भगवान में लगो सच्चे हृदय से, और उपाय नहीं है, भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, अरे कुछ शांति मिलेगी सदाचार रहेगा तो परमात्मा के लगने से ही रहेगा, और शत्रुताएं चलेगी नहीं, ये बात है, भगवान के नाम का जप करो रात दिन सीधी साधी बात मुंडे में जिब्बा और जय जीव राम 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 काम करता हुआ हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत दरिया कृष्ण साधकी या युद्ध मृत
कितनी बढ़िया बात बताई है, मुख राम 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 हृदय भगवान संबंध। विश्वास तो भगवान में लगो, सीधी सरल बात है। सुमर तो सुलभ, सुख तो सबका हो। सुमरण करने में सुलभ सबका हो, सुख सबको सुख देने वाला भगवान नाम कितना सस्ता है। राम 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 इतना सस्ता है। और ये बात देखो, देखते हो कि ये संत हो गया है। श्री रामदास जी महाराज है, दयाल जी महाराज जी अपने जैसे ही तो थे, भजन करने से ऐसे हो गए। रुपया कमाने वालों को देखकर आप देखते इसी व्यापार में रुपया पैदा होता है, पकड़ने लग जाते हो। तो भजन करने वाले ऐसे हो गए, आप क्यों नहीं करते हो भजन? प्रत्यक्ष बात है, विलक्षण हो गए। व्यापार में तो हाथ की बात नहीं है, नफा नुकसान दोनों होता है। भजन में नफा ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं। बताओ इतने बैठे हो, भजन करने वाले नुकसान हुआ हो? ये शोध में नुकसान है ही नहीं, नफा ही नहीं, कोरा नफा ही नफा, केवल नफा ही नफा। वो साथ ले सकते, वो तो लेते नहीं। साथ लेते रुपया पैसा मकान ले लिया, राम जी जयराम जी साथ क्या करे कुछ नहीं। साथ पाप चलेगा, मकान बनाने में लग गया है, रुपया कमाने में लग गया है, उम्र खराब की है, वो नुकसान साथ में जाएगा। रुपया मकान नहीं पड़े रहेगा। अब अकल कैसे आवेगी भगवान जाने से? सोचते हैं समझ फिर भाई ऊंधा चले, फिर ऊंधा ऊंधा क्या निकाल लोगे, नफा क्या ले लोगे बताओ? शरीर जीव साथ में नहीं चलेगा तो क्या मकान जायदाद रुपये पैसे स्त्री पुत्र परिवार साथ चलेगा? किसी के साथ नहीं गया, आप एक कैसे ले जाओगे? और ले जाना धन है वो, राम राम करो बैठ कर एकांत, राम 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 रामदास की संतदास, राम नाम की संतदास, दो अंतर दगधूण। आ तो गुप्ती बात है, कहो बहुत है कौन? ऐसे लग जाओ कितनी बढ़िया बात है। राम लड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। ऐसे चौड़ा धन है पर वो तो लेते ही नहीं, धन लेते हैं वो हाथ आता नहीं, या ले जाओ भी नहीं थी। लेने में स्वतंत्र वो तो लेते नहीं, अरे परतंत्र लेने में उसमें रात दिन खपते हैं, अरे वो भी हाथ आएगा नहीं, आएगा तो यही रहेगा। धन मिल गया तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, वो तो नहीं मिले में ही खर्चेगा सब का सब। अरे भजन किया जाता, ले लिया जाता, लेने में लेने में जाता, नहीं जाने में जाता ही जाएगा ही नहीं। अरे संसारी चीज नहीं में ही जाएगी। बड़े बुद्धिमान कहलाते हो, बड़ा बड़ा काम करते हो, मरने से हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं खतेगा। आज वक्त नहीं मिलता सत्संग के लिए, भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इतना समय लगा तो हर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं ये तो पाप और नरकों की तैयारी करी। मनुष्य मिला और नरकों की तैयारी करी है। आयो चौरासी तो भुगतने फिर जाऊंगे क्या? नारायण नारायण भगवान और नाम ले भाई, भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। वो एक रक्षा करने वाला है और कोई रक्षा करने वाला नहीं, सब मरने वाला है, कौन सहारा देगा? किसको सहारा लोग बताओ? सब जाने वाले जाने वाली तो रहने वाले का सहारा तो सदा ही रहता है। अनादिकाल से भगवान हुए के हुए ये बदले नहीं है, संसार प्रत्येक बदला रहता है ही नहीं है। संसार चीजों का सहारा लेते हैं, परमात्मा सहारा थोड़ा खुला सहारा। कोई लोग कभी जाट बजो, गुजर बजो, भावे बजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर हक लगता है अपना, वो तो लेते नहीं, लेते वो रहता नहीं। इस वास्ते हृदय से भगवान में लग जाओ, साथ कोई चलेगा नहीं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो, वो धन तो यहाँ रह जाएगा, झूठे झूठ को साथ चलेगा। इस बार सावधान हो जाओ, अब ऐसा नहीं भी भगवान का नाम लो, सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान के रूप से लो, भगवान का नाम लो। जगत भेख है एक न मतो एक न दिश जावे, जगत है देख कोई देखो, खाऊ 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 खाऊ
पदार्थ कर दो, क्या कर ला भैया हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, हमारे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, जाओ प्राण निकल जाएंगे। विश्वास सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। नारायण 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 संतोष भगवान दूध दिया है पूरे देश में। अच्छा भाई, या कोई भगवान विशेष कृपा करी है सज्जना, मन तो कई सच्चे मैं हाथ सू पाए हुआ दूध पियो है भाई, मैं तो सुनी जना समझो पाखंड है, दम्भ है, सच्ची वो नहीं, पर जो पाए जो दूध पियो है तो वो भगवान की विशेष कृपा हो गई। ये मूर्ति मानो को खंडन करे, मुसलमान रही आर्य समाज खंडन करे, अब सर्वान खंडन करने भगवान में आए जी दया, कोई पता नहीं जगह दूध पीते चुदार करो, दूध मैं आगे ले गयो सामने की जो खप ऐसे देख लो लोग मारे दृष्टि कौन पहले करो अपना सुनी तो मुझे पूरी करे बात है। अब यह नहीं है विश्व भर में, चीन जापान इंग्लैंड अफ्रीका आदि सब देशों में, अमेरिका स्विट्जरलैंड अमेरिका को जी हत्या करते सरकार आप सभी गर्भपात जैसी जैसी हत्या नशबंदी ऑपरेशन कितना अनर्थ आप कर रहे हो। राम 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 क्या होगा। नारायण 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 चलो भाई अपने भगवान में लोगो सच्ची बात है, अपने घाटे में लोग जाओ।